हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये पार्ट वन है, थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन मज़े का चैप्टर है। जो भी हमारे लाइफ में खाते पीते हैं वो सारे चीज़ में इसमें है। जो भी लोग बर्गर वगैरह जो भी कुछ खाते हैं आप लोग, सारा चीज़ इसमें दिया है। तो इसमें दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहले हम देखेंगे कि पार्ट वन में क्या क्या है, उसके पार्ट टू में हम इसका टेस्ट देखेंगे। ये एनसीईआरटी चैप्टर क्लास सिक्स है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है सारा जो एग्ज़ाम जो लिखना रहता है आंसर पॉइंट में लिखना रहता है। बिना पॉइंट के लिखेंगे तो आंसर कटने का डर रहता है और आपका नंबर कटने का भी डर रहता है। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि बेसिक्स या इंट्रो कह सकते हैं इस चैप्टर का, कि क्या है। अ सब्सटेंस विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वो सब्सटेंस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए, हमारे जीवन को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन मतलब कि बैलेंस्ड करने के लिए जो जरूरी है, इसेंशियल मतलब होता है जरूरी, ठीक है, या ग्रोथ कराने के लिए जरूरी है, ठीक है, उसको हम कहेंगे न्यूट्रिएंट। जिसके वजह से हम क्या करते हैं, ग्रोथ को होते हैं मतलब बड़े होते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ मेंटेन होती है। लाइफ मेंटेन करने मतलब कि हम कम बीमार पड़ते हैं। तो इनकी किस वजह से होता है, न्यूट्रिएंट की वजह से, ठीक है। हमें न्यूट्रिएंट अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। अभी न्यूट्रिएंट होते क्या हैं, और फूड हैज़ 5 न्यूट्रिएंट। हमारे खाने में जो हम डेली खाना खाते हैं, चाहे दाल भात चावल या मीट मछली बर्गर वगैरह जो भी खाते हैं, उन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। किसी खाने में मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता होगा ज़्यादा, किसी में फैट पाया जाता होगा, जो ऑयली होगा जिसमें तेल ज़्यादा होगा उसमें फैट ज़्यादा होगा, मोटापा। प्रोटीन जिसमें, जैसे दाल हो गया, रोटी हो गया, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन्स हो गए जैसे खट्टा चीज़ या मतलब नींबू वगैरह या फ्रूट्स जो हो गए उसमें विटामिन्स पाया जाता है। मिनरल्स जैसे वाटर हो गया। ये 5 चीज़ें होती हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट्स में इन्वॉल्व होती हैं, और न्यूट्रिएंट्स हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए और ग्रोथ कराने के लिए इसेंशियल होता है। इसेंशियल मतलब कि इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट मतलब होता है कि भाग या पार्ट्स कहते हैं खाने के, पार्ट्स ऑफ फूड कह सकते हैं या कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं। कंपोनेंट ही फूड लिखते हैं क्योंकि अच्छा लगता है सुनने में। तो 5 कंपोनेंट है, ठीक है, मेन 5 ही हैं, लेकिन 2 एक एक्स्ट्रा दिया गया है, वाटर और फिश करके, वो भी मैं बताऊँगा क्या है। लेकिन अगर पूछता है कि व्हाट इज द मेन 5 न्यूट्रिएंट्स, अगर मेन लगा देता है तो आप लोग ये 5 लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। वाटर और रफेज का अलग क्वेश्चन देगा, ठीक है, पूछेगा कि व्हाट इज या डिफाइन रफेज, रफेज क्या होता है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो देखिएगा। तो ये देखते हैं, पहला है कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है, सेकेंड है फैट, थर्ड है प्रोटीन और फोर्थ है विटामिन, फिर मिनरल, फिर वाटर, फिर रफेज। इसको रगेज नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसको रफेज बोलते हैं या डाइट्री फाइबर बोलते हैं। डाइट्री फाइबर मतलब कि जो लोग, जैसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, मतलब सुपरस्टार जो होते हैं, वो रफेज ही खाते हैं। रफेज मतलब होता है सलाद वगैरह, ठीक है। तो लोग डाइटरी प्लांट खाते हैं, जैसे मतलब गाजर मूली यही सब खाएंगे ज़्यादा, वो ऑयली नहीं खाते हैं, इसलिए वो फिट रहते हैं एकदम। तो ये हो गया कंपोनेंट ऑफ फूड। अब इसमें से हम पहला देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है, किस में पाया जाता है, कौन कौन से फ्रूट्स या फल में पाया जाता है, ये सारे चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं, तो मज़ा आने वाला है। चलिए, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जैसे ग्लूकोज या कैन शुगर या स्टार्च प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यही लिखा है कि अगर कार्बोहाइड्रेट आता है आपके एग्जाम में डिफाइन करने के लिए, तो ऐसे ही पॉइंट में लिख देंगे, ठीक है। 5 नंबर का आएगा तो ये 4 पॉइंट, 2 नंबर का आएगा तो ये दोनों पॉइंट, और 3 नंबर का आएगा तो ऊपर से 3 पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल आप 2-3 ही बस देंगे तभी काम चल जाएगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी और कुछ नहीं। एनर्जी मतलब कि जैसे एनर्जी तरह से, जैसे हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, हम थक जाते हैं तो हमको एनर्जी चाहिए होता है ना, और चलने के लिए स्टेमिना चाहिए होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ग्लूकोज करते हैं ना, कि ग्लूकोज चढ़वा लो, एनर्जी कम हो गई है, तो ये होता है। केन शुगर, केन शुगर मतलब जो गन्ने का जूस होता है उसमें भी एनर्जी होता है। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है वो भी हम देखेंगे डिटेल में भी। द मेन कार्बोहाइड्रेट डेट वी ईट इन आवर फूड इज स्टार्च, इट कम्स फ्रॉम सीरियल लाइक वीट एंड राइस। कह रहा है जो हमारे मेन जो कार्बोहाइड्रेट है जो हम डेली खाते हैं, हमारे खाने में होता है, वो होता है स्टार्च, ठीक है। अब आप कहेंगे कि स्टार्च क्या होता है, स्टार्च जानते क्या होता है, ये पाया जाता है आपके चावल और गेहूं में। जैसे हम जब आटा, जैसे रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, तो उसमें ये स्टार्च के फॉर्म में रहता है। क्या स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो दूसरा नाम कह सकते हैं, जैसे आपका दूसरा नाम होगा ना, दो नाम होगा कुछ बच्चों का, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट नाम है ना, तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट का दूसरा फॉर्म क्या है, स्टार्च। ये कहाँ पाया जाता है, सीरियल क्रॉप में। सीरियल क्रॉप क्या है, वीट और राइस, ठीक है। ये है सम कॉमन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जैसे कि या स्टार्च पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, चावल में, ठीक है,
गेहूं में, चावल में, मेज में, पर्ल में, मिलेट्स में, पोटैटो, पोटैटो मतलब आलू, शुगर, जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, भेली जिसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा है गुड़, हनी में भी पाया जाता है। ये हो गया तो खाना। अब फ्रूट्स में कैसे पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जैसे कि बनाना, ठीक है, मैंगो, मेलन, पपाया, ठीक है, बनाना मतलब केला, आम, मेलन मतलब तरबूज नहीं होता वो, पपाया मतलब पपीता, आसोकार्डेंट कार्बोहाइड्रेट, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम खाएंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमको, एनर्जी मिलेगी, जो कि किस फॉर्म में रहती है, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो इन चीज़ों में पाया जाता है, ठीक। ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक, ग्लूकोज के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, जिसे इस तरह से याद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है उसके पिताजी का नाम रखे हैं, मतलब जिसे जो उसके पिताजी हैं वो नाम रखे हैं कार्बोहाइड्रेट, और जो उसकी माता जी हैं वो क्या नाम रखी हैं, स्टार्च, ठीक है। तो इस तरीके से याद करिए, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आते हैं हमारे फैट पे। फैट क्या कह रहा है, देखिए फैट क्या होता है, मतलब मोटापा एक तरह से। फैट प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज प्रोवाइड बाई द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे बटर, ब्रेड। फैट कह रहा है कि हम भी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, बल्कि किसे, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी हम प्रोवाइड कराते हैं, कौन, फैट। लेकिन इसमें एक कमी है, क्या कमी है देखते हैं। फैट कह रहा है कि फैट प्रोवाइड अस ट्वाइस, दो गुना मच एनर्जी हम प्रोवाइड कराते हैं, किसके मुकाबले में, कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में। मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर 10 KCL क्या बोलते हैं एनर्जी दे रहा है, तो ये क्या करेगा, 20 KCL देगा एनर्जी। जैसे कि बटर और ब्रेड हो, ये इसके एग्जाम्पल हो गया फैट के। बटर मतलब ब्रेड नहीं होता है, बटर ब्रेड हम लोग खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फैट रहता है और उसी से हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन इसका नुकसान है, क्या नुकसान है, द फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अभी बता रहा है क्या नुकसान है, पहले ये देखते हैं। कह रहा वो जो फूड है, कोई भी फूड है जिसमें फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, उसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड। जाहिर सी बात है, जब यही सब एनर्जी दे रहे हैं तो इसको तो एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। जैसे ये था ना, इतना सारा, तो सारा का सारा फूड और फ्रूट क्या है, एनर्जी गिविंग फ्रूट्स हैं। मतलब इससे अगर ये खाते हैं हम, तो हमको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो वही कह रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, फैट के एग्जाम्पल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ऑयल, मतलब कि फिश वाली चीज, मतलब कि जो ऑयली चीज़ होती हैं वो हम खाते हैं तो हमसे एनर्जी मिलती है। जैसे अंडा भी हो गया, मीट हो गया, कैसी हो गया, सोयाबीन हो गया, सारी चीज़ें क्या देती हैं हमको, एनर्जी देती हैं, ठीक। फैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। जो फैट होता है, मोटापा होता है, वो हम प्लांट से भी ले सकते हैं और एनिमल्स से भी ले सकते हैं। तो प्लांट से क्या क्या है, जैसे कि चीज़ ऑयल हो गया, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, ठीक है, कैसी हो गया, सोयाबीन हो गया, ये तो प्लांट वाला हो गया। और एनिमल्स हमसे क्या क्या, क्या मिलता है, मिल्क, ठीक है, एनिमल से ही तो आता है मिल्क। घी जो होता है एनिमल से ही आता है, ठीक है। मीट हमें एनिमल से मिलता है, एग हमें एनिमल से मिलता है, तो हो गया फैट। अब देखिए मैं कह रहा था नुकसान क्या है, कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी देता है, लेकिन फैट होता है जब एनर्जी दे लेता है तो कुछ बच जाता है, जब कुछ नहीं बचता तब तो ठीक है, लेकिन अगर जब एनर्जी बच जाता है तो वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, मोटापे में, इसलिए इंसान जो है मोटा होता चला जाता है, तो फैट की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट आता हमारा टॉपिक प्रोटीन। पहला हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा फैट, और तीसरा हमारा है प्रोटीन। इसमें क्या कह रहा है, कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन होता है हमारे ग्रोथ के लिए, मतलब जब हम बढ़ते हैं, जब हमें लंबाई बढ़ती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है, और हमारे बॉडी सेल्स को रिपेयर करने के लिए होता है। जैसे क्या होता है, जैसे हम जब बढ़ते हैं, जो पुराने सेल्स होते हैं, मैंने बताया था कि बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है हमारे बॉडी का, वो सेल्स है। जैसे घर में जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ईंट है, वैसे हमारे बॉडी में बेसिक स्ट्रक्चर सेल्स होता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है, ये प्रोटीन चाहिए होता है। इसलिए जो बॉडी बनाते हैं, जिम में जाते हैं, तो मेहनत करते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिसके वजह से उनका जो सेल रहते हैं खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जो प्रोटीन लेंगे, जब फल लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो नए सेल्स बनते हैं जो काफ़ी तगड़े होते हैं, इसी वजह से उनका बॉडी क्या होता है, और अच्छा दिखता है। तो इसीलिए प्रोटीन ज़रूरी होता है, किसलिए ज़रूरी होता है, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। देखिए ये दिया है कि जो जिस फूड में प्रोटीन रहता है वो उसे बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें उससे बॉडी बनता है, उसमें जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स होती हैं। जैसे मिल्क में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, चीज़ में प्रोटीन होता है, पल्स यानी कि दाल में प्रोटीन होता है। इसलिए जो घर वाले होते हैं कहते हैं कि ये सारी चीज़ें खाना चाहिए, और हम लोग नहीं खाते हैं। उसके अलावा मिल्क चीज़ के अलावा पीज यानी कि मटर में, बीन्स में, सोया बीन्स में, ग्राउंड नट में, मछली में, मीट में, चिकन में, एग्स में, और अंडा में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बीच वाले पार्ट में नहीं, जो अगल बगल होता है उसका वाइट वाला पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन जो येलो वाला होता है अंडे में, उसमें खाली सिर्फ फैट रहता है, तो उससे हमको एनर्जी मिलेगी और मोटापा भी।
देखो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। चिल्ड्रेन नीड्स मोर प्रोटीन देन एडल्ट बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं ना, जो आठ साल से जो आठ साल के कम बच्चे होते हैं या आठ साल तक जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, किसके मुकाबले में, एडल्ट के मुकाबले। एडल्ट मतलब कि जो जवान हो गए रहते हैं या जो मतलब एजड हो गए हैं, 20 25 26 साल के या 30 साल के हो गए हैं, उनको कम प्रोटीन चाहिए होता है, किससे, बच्चों से। लेकिन बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है, क्यों, क्योंकि उनका काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ होता है, उनकी बॉडी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, ग्रो होती है, तो उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। तो इसलिए आप लोग जानकारी में रखिएगा कि आप लोग को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि आप लोग की बॉडी ग्रोथ कर रही है। तो आप लोग अगर प्रोटीन लेंगे अभी से, ठीक है, प्रोटीन मतलब कि दवा नहीं लेना है, इन चीज़ों को खाना है, जो ये मिल्क चीज़ पल्स हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका बॉडी खूब अच्छे से ग्रोथ हो, आपका चेहरा खिला रहे। तो ये होता है रीज़न। नेक्स्ट हमारा नोट आता है, इंपॉर्टेंट है, फिश इज़ अ प्रोटीन रिच फूड, ठीक है, जो मछली होती है, यहाँ पर दिया था फिश, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, लिखा भी है रिच प्रोटीन, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है मछली में। बटर इज़ अ फैट रिच फूड। इसमें क्या होता है, देखिए फिश में क्या है, प्रोटीन मिल रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए रिच लिखा है, रिच मतलब अमीर, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल रहा है किसमें, मछली में। बटर में क्या मिल रहा है कि फैट रिच फूड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फैट मिलेगा किसमें, बटर में, ठीक है, इसीलिए सुबह के टाइम में बटर लोग खाते हैं ताकि एनर्जी मिले। एंड राइस इज कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, और राइस में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, किसमें, राइस मतलब कि भात या चावल में, ठीक है। ये था नोट, इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्या बोला, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मछली में, सबसे ज़्यादा फैट बटर में, और सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट राइस में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, टॉपिक आता है विटामिन्स। विटामिन्स कहाँ से आते हैं, क्या काम होता है इनका, देखते हैं। विटामिन्स आर नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, हमारे आँखों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं विटामिन्स, जाहिर सी बात है विटामिन्स इसीलिए होते हैं, आँखों के लिए, बाल के लिए, ठीक है, हमारी स्किन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे जब कोरोना आया था इसीलिए लोग कह रहे थे कि विटामिन सी आप लोग खाइए ताकि आपका जो लड़ने का पावर है वो बढ़े, तो हर चीज़ के लिए जरूरी होता है विटामिन्स। हेल्दी टीथ, दांतों के लिए अच्छा होता है, गम्स के लिए, गम्स यानी कि जो जबड़ा होता है हमारा दांत के अंदर, वो अगल बगल नहीं सटा होता चमड़ा, उसके लिए उसको गम्स कहते हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है विटामिन्स। बोन्स के लिए भी, हड्डियों के लिए भी विटामिन्स डी जरूरी होता है, ठीक है। प्रॉपर डाइजेशन यानी कि हमारा पाचन जो क्रिया रहता है, खाना खाते हैं, कई लोग का खाना पचता नहीं है, तो उनके अंदर विटामिन की कमी रहती है, तो विटामिन उनको लेना चाहिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए। जैसे आपका ग्रोथ बहुत स्लो हो रहा है, आप भी विटामिन लेंगे तब महीने दो तीन महीने तक, तो आपका भी ग्रोथ में डेवलपमेंट आएगा, विकास होगा, गुड हेल्थ, अच्छे हेल्थ के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए विटामिन क्या है, जरूरी है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, देखिए वही चीज़ का जो मैंने अभी कहा है, कोरोना में काफ़ी जरूरी था विटामिन, इसलिए कह रहा है क्योंकि विटामिन मदद करता है हमारे लड़ने में, हमारे बॉडी को डिजीज से, जो बीमारियाँ आती हैं जैसे बुखार, सर्दी, कोरोना वगैरह जो भी आता है, तो उससे लड़ने में हमारा बॉडी किसकी मदद लेता है, विटामिन की मदद लेता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन की कमी है तो हमारा बॉडी क्या लड़ नहीं पाएगा उन बीमारियों से, तो यही कह रहा है। द विटामिन आर रिप्रेजेंटेड बाई लेटर सच एज ए बी सी डी ई एंड के, इन लेटर्स से विटामिन को रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है कि विटामिन ए में ये है, विटामिन बी में ये है, जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, हो सकता है एग्जाम में भी आए आपके। विटामिन ए जो है, विटामिन ए प्रोटेक्ट द आई, स्किन एंड हेयर, ये तीन चीज़ों को विटामिन ए क्या करता है, बांध के रखता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। विटामिन ए प्रोटेक्ट द आई, आँख, स्किन, चमड़ा और हेयर यानी कि बाल, सर का। तो विटामिन ए आप लोग लेते हैं तो इन चीज़ों का कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। द वेरियस सोर्स ऑफ विटामिन ए आर द फूड सर्सेजेस, जो कई सारे सोर्स हैं विटामिन ए के, जैसे आप लोग पूछेंगे ना कि क्या क्या खाएं हम कि विटामिन ए हमको मिले, तो ये है मिल्क खाइए, ठीक है, मिल्क पीजिए, दूध, बटर खाइए, कैरेट खाइए यानी कि गाजर, फिश लिवर ऑयल, एग, अंडे, सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, ठीक है, हरी सब्जियाँ बस, मैंगो, पपाया, ठीक है, पपाया भी खाना चाहिए, मैंगो तो सब लोग खाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिसमें विटामिन ए मिलता है और हमारे आँखों को, स्किन को, हेयर को, ये क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं। फिर आता है नेक्स्ट विटामिन बी, विटामिन बी या बी वन कर सकते हैं, विटामिन बी लिखेंगे तो अच्छा भी है लेकिन विटामिन बी वन लिखेंगे तो और अच्छा है, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है। विटामिन बी वन इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स। विटामिन बी वन किसके लिए जरूरी होता है, हमारे ग्रोथ के लिए, ठीक है। देखिए हमारे ग्रोथ के लिए कई सारे जिम्मेदार हैं, एक चीज़ नहीं होता है, कई सारी हमको चीज़ों को बॉडी में लेके चलना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि विटामिन बी वन इसेंशियल यानी कि जरूरी होता है हमारे ग्रोथ के लिए, अच्छे से काम करने के लिए, हमारे पाचन क्रिया को, ठीक है। हॉट नर्व्स जो हमारे हार्ट होता है यानी कि जो दिल होता है उसके जो नर्व्स होते हैं, ठीक है, नसें जो होती हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है कौन, विटामिन बी वन। अगर ये विटामिन बी वन आप लेते हैं
तो आप लोग को मसल्स का दिक्कत नहीं होगा, ना ही कभी हार्ट अटैक का दिक्कत होगा, ठीक है। विटामिन B1 इज प्रेजेंट इन मिल्क। अब कहेंगे कि विटामिन B1 किस में मिलेगा, तो वही दूध में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, मीट मिलेगा, होल ग्रेन यानी कि वीट एंड राइस में मिलेगा, पोटैटोज, ईस्ट एंड ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियाँ जो हम लोग डेली खाते हैं ना उसी में मिलता है। बस आप लोग को अच्छा चूज़ करके खाना है। जैसे क्या होता है कि अच्छी चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगती हैं, तो अच्छी चीज़ें ही खाना चाहिए। जो फास्ट फूड होते हैं जैसे बर्गर वगैरह, ऑयली चीज़ें हमको कम खाना चाहिए ताकि हमारा बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, तो तीसरा विटामिन है विटामिन सी है। ये जब सबसे ज़्यादा जरूरी होती है हमारे बॉडी को बीमारियों से लड़ने के लिए। जैसे विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ना, ये वाले जो जॉइंट्स हैं, ये वाले ये जॉइंट्स, ये जॉइंट, ये जॉइंट, घुटनों के हमारे जॉइंट्स, हाथ के जॉइंट्स, एल्बो के जॉइंट्स, दांतों के लिए, गम्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। कौन? विटामिन सी। विटामिन सी आल्सो इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्शन एंड हेल्प्स टू फाइट डिजीजेस। मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन कभी कभी हो जाता, नहीं होता है कि कहते हैं लोग तुम्हें इन्फेक्शन हो गया है, इससे चोट वोट लगता है तो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। क्यों फैलता है? विटामिन सी की कमी से फैलता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि विटामिन सी जरूरी होता है रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस मतलब विरोध होता है, किसके विरोध के लिए? इन्फेक्शन का विरोध करता है, और ये जो बीमारियाँ होती हैं, जो डिजीजेस होती हैं, उनसे फाइट करता है, उनसे लड़ता है, ठीक है। कौन? विटामिन सी। अब विटामिन सी किस में मिलती है? विटामिन सी इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट। सिट्रस मतलब खट्टा जो फ्रूट होते हैं ना, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं मार्केट में, उन सारे में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे ऑरेंज, संतरा, लेमन यानी कि नींबू, लाइम, आमला, आमला में जानते ही हैं, आमला कहते हैं, टोमेटो, टमाटर में भी पाया जाता है, लेकिन टमाटर आप लोग कम खाइएगा, गुआवावा जो होता है, गुआवा एंड ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियाँ, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए ताकि आपका बॉडी क्या रहे, हेल्दी रहे, बीमारियों से बचा रहे। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन डी। ये भी जरूरी होता है हमारे हड्डियों के लिए। हमारी हड्डियाँ ही कमजोर होंगी तो हम कैसे चलेंगे, ठीक है, कैसे दुनिया देखेंगे, तो ये जरूरी होता है। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। जो विटामिन डी है वो जरूरी है किसके लिए? नॉर्मल ग्रोथ के लिए। जो हमारा ग्रोथ होता है, लंबाई बढ़ती है, सीना बढ़ता है, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी होता है, और हड्डियों के लिए भी, दांतों के लिए भी जरूरी होता है। विटामिन डी किसके लिए जरूरी होती है? हड्डी और दांतों के लिए। विटामिन डी किस में प्रेजेंट रहता है? दूध में, फिश में, एग में, बटर में, फिश लिवर ऑयल में एंड सनलाइट में। सनलाइट में कैसे? इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं ना, ज़्यादातर धूप में बैठे रहते हैं, क्योंकि धूप में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन डी अब धूप में दोपहर में मत बैठिएगा, क्योंकि दोपहर में अल्ट्रावायलेट रेज ज़्यादा आती हैं, जो हमें नुकसान भी करती हैं। तो सुबह के टाइम में सबसे बेस्ट रहता है विटामिन डी के, ठीक है। जो सुबह की रोशनी रहती है धूप की, उसमें ज़्यादा विटामिन मिलता है विटामिन डी। नेक्स्ट आता है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। मतलब कि अच्छे ग्रोथ के लिए और अच्छे हेल्थ के लिए भी हमें मिनरल्स लेने चाहिए। मिनरल्स आर नीडेड टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ, जिसे दांतों और हड्डियों को बढ़ाने के लिए भी क्या होता है, मतलब बनाने के लिए भी क्या होता है, मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। कहते हैं ना 32 दांत होते हैं, अभी के एज जो होगा आपका लगभग 28 दांत होगा, तो 32 दांत पाने के लिए क्या होगा, आपको मिनरल्स लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका दांत उतना ही रह जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड हो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। अगर ब्लड नहीं रहेगा तो हमारा हार्ट भी का नहीं काम करेगा, जिससे हमको हार्ट अटैक आ सकता है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जमना, कोगुलेशन मतलब था जमावट। अगर मिनरल्स की कमी हुई तो हमारा ब्लड क्या होगा, जम जाएगा, जिसकी वजह से हम मर जाएंगे। फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, जो हमारे मसल्स होते हैं, बॉडी दिखाते नहीं है कि हमारे ये देखो हमारा बॉडी, उसका भी फंक्शनिंग बंद हो जाएगा अगर हम मिनरल्स नहीं लेते हैं। तो नर्व्स एंड थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड मतलब होता है घेगा, नहीं होता गले पे हो जाता है बहुत बड़ा सा, आपने पढ़ा होगा साइंस में पिछले चैप्टर्स में, कैसे आयोडीन की कमी से क्या होता है, हमें थायराइड ग्लैंड हो जाता है, तो वो भी एक तरह का मिनरल है। तो मिनरल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब कहाँ कैसे पाए जाते हैं मिनरल्स, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम में। अब कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? वही विटामिन डी वाला जो है, जितने भी पार्ट्स थे, मिल्क, एग, बटर, इन सब से कैल्शियम मिलता है हमको, इसकी वजह से हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। फॉस्फोरस, ठीक है, आयरन, आयोडीन, देखिए आयोडीन यहाँ पर दिया है, आयोडीन की वजह से थायराइड ग्लैंड नहीं होता है। तो आयोडीन क्या है? मिनरल है। अगर एग्जाम में आपको याद नहीं आता है कि मिनरल्स के एग्जाम्पल क्या हैं, सिंपल सी बात है, विटामिन डी। विटामिन डी कितने मिलता है? सनलाइट से। तो सनलाइट में क्या होता है? कैल्शियम होता है, ठीक है, आयोडीन, नमक, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, जैसे सोडियम पोटासियम भी एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम और फॉस्फोरस, क्या कहलाता है?
कैल्शियम इज नीडेड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ। जो कैल्शियम होता है विटामिन डी में जो मिलता है या इन चीज़ों में मिलता है फिश बटर एक में, ठीक है, ये होता है हड्डियों को बनाने के लिए और दांत को हेल्दी रखने के लिए होता है। कैल्शियम आल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड अदर मसल्स एज वेल एज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो कैल्शियम होता है हमारे हार्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैल्शियम हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो हमें लाइफ में कभी भी हार्ट अटैक का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि मसल्स भी काफ़ी अच्छे रहेंगे और हमारा ब्लड भी क्या होगा क्लॉटिंग नहीं होगा, मतलब कि जमेगा नहीं, ठीक है, और हमारा अच्छे से फ्लो करेगा पूरे बॉडी में। इससे हमारा चेहरा क्या होगा खिला रहेगा, पूरा बॉडी चमकेगा। कैल्शियम प्रेजेंट इन, कैल्शियम कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, कहाँ पर रहता है, तो दूध में रहता है, ठीक है, पनीर में रहता है, अंडे में रहता है, हरी सब्जियों में रहता है और मछलियों में पाया जाता है। नेक्स्ट रहता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस सेम वर्क, इट इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, पर्ल, मिलेट, वेजिटेबल्स। फॉस्फोरस भी यही काम करता है, क्या काम करता है, हमारे हड्डियों को और दांतों को क्या करता है, मजबूत रखता है और उन्हें हेल्दी रखता है, ठीक कैल्शियम की तरह ही। तो अगर आता है कैल्शियम और फॉस्फोरस में तो सोनो सेम है, कोई भी एक याद कर लेंगे तो बस लिख दीजिएगा, बस फॉस्फोरस की जगह कैल्शियम रखो, कैल्शियम की जगह फॉस्फोरस। ये कहाँ पाया जाता है, वही मिल्क में, दूधों में पाया जाता है, पर्ल में, मिलेट में और हरी सब्जियों में पाया जाता है, क्या, फॉस्फोरस। नेक्स्ट रहता है हमारा आयोडीन, वही थायराइड ग्लैंड वाला जो गले पे हो जाता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द पर्पस फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड विच कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसे आयोडीन भी हमारे लिए जरूरी है, एसेंशियल मतलब जरूरी है, किसके लिए, किस काम के लिए, फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड के लिए, ताकि जो गर्दन पे थायराइड ग्लैंड रहता है घेगा रहता है, आप लोग जब टच करेंगे अपने गले को तो देखेंगे एक मतलब हड्डी तरह का होगा आपके गले के बीच में, ठीक है, सामने एकदम, जो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के ग्रोथ को, ठीक है, अगर आयोडीन की कमी होगी तो ग्रोथ रुक जाएगा। आयोडीन प्रेजेंट इन सी फूड, कहाँ पर प्रेजेंट रहता है आयोडीन, समुद्र के खाने में। समुद्र का खाना क्या होता है, जैसे कि समुद्री मछलियाँ, हरी सब्जियाँ एंड आयोडाइड साल्ट, जिसे जो ब्लू कलर का होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आयोडीन के लिए। नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन इज नीडेड टू मेक हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर रेड ब्लड सेल्स। जो कैरी करता है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में। जो आयरन होता है ना, ये लोहा वाला आयरन नहीं होता है, उसके बहुत छोटे छोटे ये बॉडी वाला आयरन है, मतलब काम वही करता है उसी आयरन की तरह जो बाहर होता है, ठीक है, तो हेमोग्लोबिन में होता है। हेमोग्लोबिन कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल्स में, जो हमारा खून रहता है ना उस खून के अंदर रहता है हेमोग्लोबिन, जो क्या कैरी करता है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को। जो हम सांस लेते हैं तो कहाँ जाता है, सांस जाता है हमारे दिल में, लंग्स में, लंग्स उसको फिल्टर करके कहाँ भेजती है, हमारे हेमोग्लोबिन में, पूरे पार्ट्स के हर एक पार्ट में, तो हर दिमाग में, पैर में, हाथों में, सब जगह जाता है। कौन ले जाता है, हेमोग्लोबिन ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयरन इज यूज्ड बाय आवर बॉडी इन आयरन सॉल्ट फॉर्म एंड नॉट एज आयरन एलिमेंट। वही कह रहा है कि जो आयरन है, जो लोहा है हमारे बॉडी में, वो यूज़ किया जाता है एक नमक की तरह, जैसे हम सब्जी में नमक डालते हैं ना, तो वैसे हमारे बॉडी में क्या करता है, नमक डालता है, आयरन की, आयरन नमक, ना कि एक आयरन एलिमेंट की तरह, ना कि लोहे की तरह काम करता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोहा हमारे अंदर है, तो लोहा ही है लेकिन वो साल्ट की तरह है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयरन प्रेजेंट इन स्पिनैक, जैसे पालक। अभी कहाँ पर पाया जाता है आयरन, तो पालक सब्जी में, जो हरी सब्जियाँ होती है ना, साग होता है पालक का, उसमें काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है, खाना चाहिए साग। एप्पल में होता है, ठीक है, सेब में, अंडे में, बाजरा में और पल्स यानी कि ग्राउंड नट में, ठीक है, इन चीज़ों में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर। वाटर क्या कहलाता है, वाटर प्रोवाइड्स अ लिक्विड इन विच अदर सब्सटेंस कैन डिजॉल्व एंड मूव विथ इन बॉडी और एलिमिनेट फ्रॉम बॉडी। जो वाटर होता है वो तो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, जब हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट चीज़ें रहती हैं यानी कि बेकार चीज़ें रहती हैं, उस पानी के जरिए क्या होता है, हमारे जब पानी पीते हैं तो पानी क्या होता है, सारा वेस्ट चीज़ों को लेकर बाहर चला जाता है, ठीक है, वही कह रहा है कि एलिमिनेट कर देता है हमारे बॉडी से जो बेकार चीज़ें रहती हैं, ये पानी का काम होता है। पानी इज नीडेड बाई आवर बॉडी, हमारे शरीर को पानी क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल्स, जो हमारा खाना खाए हैं, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि खाना खाने से पहले लगभग एक घंटा पहले जितना पानी पीना है पी लो, ठीक है, खाना खाने के लगभग एक घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए, एक घंटा पहले पी सकते हैं ताकि सारा का सारा पानी किसमें कन्वर्ट हो जाए, एसिड में। इसीलिए कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट जो हम लोग खाना खाएंगे डाइजेस्ट होने के बाद यानी कि पचने के बाद पूरे बॉडी में, बॉडी के सेल्स में क्या करेगा, पहुंचा देगा, कौन, वाटर। टू ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल्स सच एज हार्मोन्स अराउंड द बॉडी, जो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जैसे हार्मोन्स वगैरह हो गए, ये भी क्या करता है, वाटर पहुंचाता है पूरे शरीर में। टू गेट राइट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, वही चीज़ जो मैंने पहले बताया है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे हमारे शरीर में वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, कौन, पानी।
टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हमारा जो शरीर का टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है यानी कि चलाता है और कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, ताकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, ठीक है, तो ये कंट्रोल करके रखता है। नोट है, द डिफिकल्टी इन डिस्चार्जिंग हार्डनेस फेसिस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। क्या होता है, देखिए कभी कभार क्या होता है बड़ों को भी और बच्चों को भी, ठीक है, फेसिस मत होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि लेटरीन, ठीक है, तो कभी कभी बहुत टाइट आने लगता है, तो उसी को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो क्यों आता है, वो पानी की वजह से ही आता है, ठीक है, पानी की कमी होती है जिसकी वजह से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसमें क्या बोलते हैं नमी नहीं रहती है, तो उसी वजह से उसको काफ़ी टाइट हो जाता है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट आता हमारा रफेज, जो कि बड़े लोग खाते हैं, क्या आता देखते हैं, रफेज इज द फाइबरस मैटर इन फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। रफेज एक ऐसा फूड होता है, ठीक है, वो भी तरह का फूड ही तो है जो कि काफ़ी जल्दी से पचता नहीं है, मतलब पेट में जाएगा तो टाइम लगेगा पचने में, काफ़ी टाइम लगता है बाकी खानों से। रफेज इज मेनली मेड ऑफ इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्युलोज विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। जो हमारा रफेज होता है वो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से बना होता है जो कि पाचन के लिए अच्छा नहीं होता है, मतलब सेल्युलोज से बना होता है। सेल्युलोज कहाँ पर पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, मतलब रफेज खाने के बाद काफ़ी टाइम लगता है पचने में, यही कह रहा है कुल मिला के। रफेज प्रोवाइड बल्क ऑफ फूड, कीप्स द फूड एंड वेट मैटर फेसेस मूविंग अलोंग द इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। जिसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, ठीक है, उन लोगों को रफेज खाना चाहिए ताकि वो काफ़ी आसानी से कॉन्स्टिपेशन हो सक मतलब ना हो। रफेज प्रेजेंट इन वेजिटेबल्स एंड होल मील। रफेज कहाँ पर पाया जाता है, हरी सब्जियों में और होल मील यानी कि राइस और वीट में यानी कि गेहूं में यानी कि रोटी में, ठीक है, तो ये हो गया रफेज, ठीक है, सलाद। तो ये था पार्ट टू, सॉरी पार्ट वन, पार्ट टू में जल्दी मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।